शिवपुरी शहर के पोहरी रोड चौराहे पर पाल बघेल समाज ने लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सुरवाया थाने के सामने सड़क पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स से एक बाइक टकरा गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रविंद्र पाल नाम के युवक की अस्पताल लाते समय मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पीएम हाउस भेजा गया था, जहाँ रात में पीएम कराने से मृतक के परिजनों ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर पुलिस ने पाल बघेल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर मारपीट की। पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर चक्का जाम किया। वहीं पाल समाज के लोगों से चर्चा करने पर जिला अध्यक्ष राजू बाथम और कलेक्टर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद प्रशासन नींद से जागा। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ और धरना दे रहे लोगों के बीच सहमति बनी, धरना समाप्त कराया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया। कोतवाली TI रोहित दुबे लाइन अटैच, पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। जो हमारे लोगों के साथ मारपीट हुई है उन्होंने पुलिस को संलिप्त पाया है और जायज कार्रवाई के तौर पे 4 आरक्षक शिवपुरी कोतवाली उन्हें सस्पेंड किया तत्काल प्रभाव से, 1 आरक्षक सुरवाहा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उन्हें लाइन अटैच किया गया एवं एक्सीडेंटल मुआवजा दिलाने का जो है उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया हमें। इसके साथ ही दोनों विधायक, पोहरी विधायक एवं शिवपुरी विधायक एवं प्रभारी मंत्री सभी ने जो है आर्थिक सहायता देने का। देखिए, जो घटना हुई थी सुरवाया थाना क्षेत्र में, रविंद्र पाल नाम के व्यक्ति की दुखद मृत्यु इसमें हुई थी। कल से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, कुछ मांगे कर रहे थे। कल भी हमने 4 लोगों को लाइन अटैच किया था। आज भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी और अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि बैठे थे। सबने बैठ के बात की और कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जिस पर प्रशासनिक सहमति भी बनी है। एक विषय उसमें यह था कि कल जिन लोगों को लाइन अटैच किया गया था उन्हें सस्पेंड किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाता है। TI कोतवाली के प्रभार पर रहते हुए घटना हुई थी, तो उनको लाइन अटैच करने की मांग थी, वो भी की गई है। पूरी घटना की मिनिस्ट्रियल जांच की जाए, तो वो कलेक्टर साहब ने उसमें मिनिस्ट्रियल जांच आदेशित कर दी है। साथ ही पीड़ित परिवार को और घायलों को शासन स्तर से जो भी संभव आर्थिक मदद दी जा सकती है, उपचार के लिए सहायता दी जा सकती है।